आज मैं जो रेसिपी बता रही हूँ वो खाने में बहुत टेस्टी, इजी और बहुत ही आराम से बन जाएगा। सबके घर में ये सामान रहता है ज़्यादातर, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से मैं बता रही हूँ। केले का रेसिपी है, लेकिन है तो बहुत इजी रेसिपी और बहुत सादा, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 केला मैं ली हूँ, बॉयल कर ली हूँ। अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर 7 से 8 लहसुन ली हूँ, हाफ बड़ा साइज का प्याज फाइन चॉप की। फिर 6 से 7 लाल मिर्च सरसों तेल में हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, डीप फ्राई एक तरह से हम लोग किए, लगभग काला हो जाए, जलना नहीं चाहिए हमारा, एकदम हमारा मिर्च अच्छे से रोस्ट हो गया तेल में। अब मैं इसको निकाल लूंगी। फिर उसी तेल में 6-7-8 लहसुन अच्छे से रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि ये भी लाल हो जाए, काला नहीं होना चाहिए और अच्छे से गल जाए। ढक के नहीं, ऐसे ही लो फ्लेम में भूनेंगे इसको। अब चाहे आप मैसर से मैश कर लें, चाहे हाथ से अच्छे से केले को मैश कर लें, अच्छे से मैश कर लें, ज्यादा बड़ा बड़ा चंक्स नहीं, हल्का छोटा छोटा चंक्स रहे चलेगा। लहसुन को स्लो फ्लेम में ही भूनिएगा, तभी गलेगा, ढकिएगा मत, नहीं तो पानी छोड़ देगा। इसको रोस्ट करना है तेल में, देख रहे कलर कैसे आ रहा है, लगभग गल जाएगा इस तरह से भूनने से। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट, लेकिन अच्छे से ये भूनिएगा तो गल भी जाएगा लहसुन। अब इसमें जिस प्लेट में मिर्च निकालें उसी में हम लहसुन भी निकाल लेंगे तेल बचा के। अब किसी भी चम्मच ले लें, इस तरह से लहसुन को दबाएंगे, आराम से ही मैश हो जाएगा। मैसर में ये मैश नहीं होगा क्योंकि छोटा छोटा है और गर्म है, हाथ से भी मैश करें जलेगा हाथ। मैश करके फिर मैं दिखा रही हूँ आगे। हमारा लहसुन अच्छे से मैश हो गया है, अब हाथों की मदद से थोड़ा ठंडा भी हो गया, मिर्च को भी इसमें मैश कर लेंगे आराम से, एकदम कुरकुरा हो जाता है, क्रिस्पी टूट जाएगा। अब केले में हम प्याज अपना डाल देंगे और मैश किया हुआ मिर्च और लहसुन। ये तीखा नहीं होता, भून देने पे मिर्च का तीखापन काफ़ी कम हो जाता है, इसे ये मत सोचिएगा कि बहुत तीखा हो जाए, वैसे भी आप अपने मिर्च को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको हम कच्चा सरसों तेल डालेंगे 1 टीस्पून। तेल डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। लीजिए हमारा टेस्टी सा केले का भरता बन के तैयार है, आप लंच में एंजॉय करें, सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी, दाल चावल के साथ गरम गरम सब करें, जो नहीं खाता है वो भी खाने लगेगा, इतना टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे केले का रेसिपी, प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।